युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। जयपुर में पैरा टीचर्स ने निकाली रैली। शैक्षणिक योजनाओं में सृजित पदों और पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते को लेकर किया गया था ये विशाल रैली का आयोजन। साथ ही सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। इस विशाल रैली में बड़ी संख्या में पैरा टीचर्स हुए सम्मिलित। उनकी सरकार से यह मांग रही कि पैरा टीचर में कार्य कर रहे शिक्षकों को भी तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के समान वेतन भत्ता दिया जाए। साथ ही समायोजन होने तक लोक जुम्बिश कर्मियों के बराबर 37,000 रुपए और समस्त लाभों के साथ वेतन को महंगाई मूल्य सूचकांक से जोड़ने की मांग की और सबने एक स्वर में नारा दिया कि दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन भत्ता एक समान की उठाई आवाज। शिक्षाकर्मी स्वयं सेवा समिति के बैनर तले धरना दे रहे हैं। इस राजधानी के अंदर हम विवश होते हैं और मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम पिछले 15 साल से 35 साल के हो गए। हम सरकारी स्कूल में एक टीचर का काम करते हैं, एक टीचर HM का पावर, VLO का पावर, MDM का पावर, हर पावर हमारे पास है और हम पूरे टीचर वाला दायित्व निभाते हैं, फिर भी हमें पर उन्हें नहीं किया जा रहा है। और सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि हमें समायोजित किया जाए, किसी भी योग्यता के अनुसार जिस पद पर भी संभव हो उस पद पर किया जाए। और जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता है, तब तक हमारा पेमेंट 37,000 रुपये लोक जुम्बिश कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम इस राजधानी के अंदर इकट्ठे हुए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन यहाँ पे राजधानी के अंदर काली दिवाली मनानी पड़ेगी और मजबूरी के अंदर यहाँ बैठना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, अन्य कई संविदा पर लगे हुए हैं और हमारी ये मांगे हैं कि समान काम समान वेतन दिया जाए या हमको नियमित किया जाए, जिससे हमारे बच्चों के लिए कुछ लाभ मिले। इनको 20-25 साल हो चुके हैं, इनके लिए ना के बराबर मानदेय दिया जाता है, वेतन की बजाय मानदेय दिया जाता है और वो भी ना के बराबर 4,000, 5,000 या 8,000 रुपये में ये काम कर रहे हैं और इनको 25-25 साल हो चुके हैं और इनकी उम्र लगभग 50 और 55, 45, 50, 55, 60 के लगभग पहुँच चुकी है और इनको यहाँ से सरकार से रवाना होने का भी समय आ गया, लेकिन फिर भी इनकी सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। और कई प्रकार की सरकारें आ गई, कांग्रेस की आ चुकी, पहले भी आ गई और ये अब BJP वालों की आ गई, अब बाद में फिर कांग्रेस की आ गई है, लेकिन कांग्रेस वाले भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।